कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मैं आपको बताऊं कि एक दैत्य थे जिनका नाम था राहु और केतु। तो राहु और केतु मित्रों और कोई नहीं, ये एक दैत्य था। और यह दैत्य देवताओं की लाइन में जा कर के अमृत पान कराने के लिए लाइन में, देवताओं की लाइन में बैठ गया था। वहाँ पर सूर्य और चंद्रमा भी बैठे हुए थे। यह दैत्य इन सूर्य और चंद्रमा के बीच में जा कर के बैठ गया। भगवान ने उसको भी अमृत पान करा दिया। और उस समय जब अमृत पान करा दिया तो सूर्य और चंद्रमा ने इस ग्रह का भेद खोल दिया। तो भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु ने अपने ही सुदर्शन से उस दैत्य के सर को अलग कर दिया। तो मित्रों, आज जो नवग्रह हैं, नवग्रहों में दो ग्रहों के रूप में यह एक ही व्यक्ति दो स्वरूपों में, एक केतु जो ऊपर का धड़ है यह केतु, और नीचे का जो धड़ है ये राहु। गर्दन के नीचे का जो भाग है ये राहु है और गर्दन के ऊपर का जो भाग है ये केतु है। उस समय से ये राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को प्रभावित करने लगे, जिसके कारण से ग्रहण पड़ता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के ऊपर यह ग्रहण पड़ता है तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही देवता ग्रह हैं, राहु और केतु दोनों ही दानव ग्रह हैं। दानव ग्रह और देवता ग्रह में अंतर है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और आपका सूर्य, चंद्रमा, मंगल ये देवताओं की श्रेणी में आते हैं। बुध बीच में है, राहु, केतु, शनि और शुक्र और देवगुरु बृहस्पति भी देवताओं के उसमें आते हैं। तो राहु, केतु, शुक्र और शनि ये दैत्य हैं। तो ये दोनों एक ही शरीर से उत्पन्न हुए, दो भाग हो गए इनके, गला अलग हो गया, नीचे का धड़ अलग हो गया, तो दोनों ही डसने लगे। सूर्य के ऊपर जब इनकी छाया पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और पूर्णिमा में जब चंद्रमा के ऊपर छाया पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इस कारण से ये ग्रहण होता है। और जिन जिन राशियों पर होता है ये ग्रहण, उन उन राशियों को भी प्रभावित होना पड़ता है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे जो नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय मां गंगे।